श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां अते सिख जथेबंदियां वल्लों जिथे श्री अकाल तख्त साहिब ते इकट्ठे हो के घल्लूघारा दिवस मनाया गया, उत्थे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी मुख तौर पर पहुंचे। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे जथेदार हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि 38 साल हो चुके हैं साढ़े महान शहीदों को शहादत प्राप्त की हुई नूं, ते अज भी असी उन्हां नूं भावुक अखां नाल याद करते हाँ। उन्हां कहा कि सानू सारियां नूं इन्हां शहीदां तों सेध लैनी चाहीदी है। जथेदार धामी ने अगे कहा कि जो श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब यानी हरप्रीत सिंह वल्लों सिख नौजवानों नूं संदेश जारी किया गया है उस ते जरूर अमल करना चाहिए है, ते सारियां नूं अमृत छक के गुरु वाले बनना चाहिए है। बाबा ठारा सिंह जी ते जनरल छबेक सिंह जी जिन्हां ने इस मौजूदा समय के भी पुरातन रवायतां जिहड़ियां सी उन्हां अनुसार जालमां नूं बड़ी वड्डी भाज दित्ती, सो अज दा इह जिहड़ा 37वां शहीदी समागम जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहिब विखे मनाया गया, जिस दे विच श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहिब जी ने संदेश भी दिता, उह संदेश केवल दा केवल सारिआं नूं धर्म ग्रहण करन दा दिता। जे मनुख धर्म ग्रहण कर लैंदा ते फिर मानसिक तौर ते तकड़ा हो जांदा, जेले बंदा मानसिक तौर ते तकड़ा होवे फिर दसां नौहां दी किरत विच भी परपक्ता आउंदी आ, समाजिक तौर ते भी आपां सारे तकड़े हुंदे आ। इहो संदेश अज श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणी दित्ता कि समुची कौम अमृतधारी होवे और अमृत छक के गुरु वाले बन, ते जिहड़ियां पुरातन मर्यादा साडियां ओ गुरु खालसे दियां उन्हां नूं धारण करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।